फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। वी आर बैक अगेन विद द हिंदू एनालिसिस फॉर 30th of June 2019। और आज का डिस्कशन शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज द स्टार्ट एंड सॉल्ट ट्रीटीज वर रिलेटेड टू डिसआर्ममेंट, ग्लोबल नॉन अलाइनमेंट, क्लाइमेट चेंज या फिर इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट द एडवाइस टेंडर्ड बाई द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, स्ट्रेचरी प्रोविजन, कन्वेंशन, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन इज द एट फोल्ड पाथ ऑफ द गौतम बुद्ध कंसिस्ट ऑफ राइट कंसंट्रेशन, राइट लाइवलीहुड, राइट व्यू, राइट ऑर्डर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। वन ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री ओनली, वन टू थ्री एंड फोर। सो नाउ लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो आज की जो हमारी सबसे पहली न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू करतारपुर कॉरिडोर। और यहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान को प्रपोज किया है कि फ्रॉम जुलाई 11 टू जुलाई 14 वी कैन होल्ड द नेक्स्ट लेवल ऑफ टॉक। तो अगली जो मीटिंग है करतारपुर कॉरिडोर से रिलेटेड इंडिया पाकिस्तान ऑफिशियल्स के बीच में, वो जुलाई 11 से जुलाई 14 के बीच में की जाए, ऐसा इंडिया ने प्रपोज किया है। यहाँ पे हम लोग करतारपुर कॉरिडोर के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है एंड क्यों बनाया जा रहा है। सो करतारपुर कॉरिडोर विल बी अ लिंक बिटवीन गुरदासपुर इन इंडियन पंजाब एंड करतारपुर इन पाकिस्तानी पंजाब। अब करतारपुर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा करतारपुर साहिब, ठीक है, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1522 बाय गुरु नानक देव। एंड गुरु नानक देव इज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। एंड करतारपुर इज द प्लेस वेयर गुरु नानक देव ब्रेथ हिज लास्ट एंड इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, ठीक है। एंड इसका करतारपुर कॉरिडोर के जरिए क्या फायदा होगा, करतारपुर कॉरिडोर विल प्रोवाइड अ वीजा फ्री एक्सेस टू इंडियन सिख पिलग्रिम्स टू गुरुद्वारा दरबार साहिब इन करतारपुर, ठीक है। सो तो इसको गुरुद्वारा करतारपुर क्या करेगा, सिख पिलग्रिम्स को वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराएगा गुरुद्वारा दरबार साहिब विच इज लोकेटेड इन करतारपुर। एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाई 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव इन नवंबर 2019, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग करतारपुर कॉरिडोर के बारे में जो फैक्ट्स हैं। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब भी कोई बात होगी तो हमेशा कोई ना कोई ऑब्स्टेकल या कोई ना कोई परेशानी तो आ ही जाएगी। तो इस करतारपुर कॉरिडोर में क्या परेशानी है, तो सबसे पहली जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है या कह सकते हैं कि डेट इज कंटेंशियस इशू इज कि वेदर टू बिल्ड अ ब्रिज और अ कॉजवे ओवर रिवर रवि। एंड सेकेंड वन इज की प्रपोज्ड कैप ऑन नंबर ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक है। सो इंडिया वॉन्ट्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे जाने की परमिशन दी जाए एंड पाकिस्तान इज हेल बेंट ऑन पुटिंग अ कैप ऑन द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स। थर्ड पॉइंट इज द प्रेजेंस ऑफ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट इन की पोस्ट ऑफ गुरुद्वारा गुरुद्वारा कमेटी इन पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान जो बहुत सारे खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं या इंडिया में जिनको टेररिस्ट भी बोला जा सकता है, तो उनको लेकर के उन्होंने गुरुद्वारा की जो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं वहाँ पे प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो उसको लेकर के इंडिया ने ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं कि यू शुड नॉट प्लेस द खालिस्तानी पीपल ओवर देयर, ठीक है। तो ये हमारी न्यूज़ थी करतारपुर कॉरिडोर से रिलेटेड। नाउ कम टू द सेकेंड न्यूज़ फॉर ऑफ द डे। एंड जो सेकेंड न्यूज़ है वो हमारी यूएस चाइना ट्रेड वॉर से रिलेटेड है। एंड एट द लेटेस्ट G20 समिट इन ओसाका जापान बोथ कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू गो फॉर अ ट्रूस। अब ट्रूस का क्या मतलब होता है, जब दो लड़ने वाले ग्रुप्स अगर ये डिसाइड कर लें कि अभी थोड़े टाइम के लिए नहीं लड़ना है, या मतलब अगर नॉर्मल भाषा में समझा जाए कि अगर आप टाइम्स ले लो कि अब थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, तो उसको जो है वो ट्रूस बोला जाता है। वेन द टू फाइटिंग ग्रुप्स स्टॉप देयर फाइटिंग फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम और एंटर इंटू एन एग्रीमेंट कि अब नेगोशिएशन कर लेना चाहिए, तो उसको ट्रूस बोला जाता है। अब यहाँ पे चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा था, नाउ बोथ द कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू गो फॉर अ नेगोशिएशन। एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसाइड किया है कि इट विल नॉट इम्पोज फर्दर टेरिफ्स ऑन चाइनीज प्रोडक्ट्स एंड इट वुड ऑल्सो अलाउ अमेरिकन कंपनीज टू सेल इक्विपमेंट टू चाइनीज टेक जाइंट हुआवे एंड डिक्लेयर दैट ट्रेड नेगोशिएशंस विद चाइना आर बैक ऑन ट्रैक, ठीक है। तो अब यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी कंपनीज को अलाउ कर दिया है कि दे कैन सेल इक्विपमेंट्स टू हुआवे द चाइनीज कंपनी एंड अमेरिका विल ऑल्सो नॉट इम्पोज फर्दर टैरिफ्स, ठीक है। तो ये हुआ है यूएस चाइना ट्रेड वॉर से रिलेटेड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज टू आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज, ठीक है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है एंड एनी थिंग दैट इफेक्ट्स दीज इकोनॉमीज इज बाउंड टू हैव अ ग्लोबल रिपरकशंस, ठीक है। तो उसके ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट जरूर होगा। यहाँ पे G20 के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है। सो रिमेंबर दैट G20 इज एन इंटरनेशनल फोरम फॉर गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नर्स फ्रॉम डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। एंड इसका प्राइमरी एम क्या है,
इट एम्स द एट द प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है. इट वॉज फॉर्मड इन 1999, ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि 1999 में बना था. एंड इसका इंपॉर्टेंस आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स ऑल द इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट एंड G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट 85% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 75% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड. सो G20 इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे. अब इसके मेंबर्स कौन कौन है, इसको कैसे याद रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें 19 कंट्रीज प्लस वन यूरोपियन यूनियन इज देयर, ठीक है. तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, आप कॉन्टिनेंट वाइज याद रखिए. जिस भी कॉन्टिनेंट का नाम आप सुनते हैं और उसके आपके मतलब माइंड में जो सबसे पहली 2-3 कंट्रीज आती हैं उनको लिख दीजिए एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर G20 कंट्रीज वेरी इजिली. तो साउथ अमेरिका की बात करें तो सबसे पहली 2 कंट्रीज जो याद आती हैं वो अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील. नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो US, कनाडा एंड मैक्सिको. अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका. ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया. देन कम टू यूरोप, ऑल दोज मेजर पावर्स दैट पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड वॉर, ठीक है. सो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, इटली एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है. तो ये ध्यान रखेंगे यूरोप से कौन कौन से कंट्रीज हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, इटली एंड देन यूरोपियन यूनियन. एशिया से कौन कौन से हैं, 3 बड़ी इकोनॉमीज, इंडिया, चाइना, जापान. देन 3 मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज, इंडोनेशिया एंड वी हैव टर्की एंड सऊदी अरेबिया एंड देन फाइनली साउथ कोरिया. तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे इनके बारे में. एंड 2019 G20 समिट वॉज हेल्ड इन ओसाका, जापान, फ्रॉम 28th to 29th of June, ठीक है. तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे. अब इससे क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग. तो यहाँ से आपके लिए मेंस के लिए जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, इकोनॉमिक नेशनलिज्म हैज द पोटेंशियल टू डीरेल द ग्लोबल ग्रोथ स्टोरी, कमेंट. तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म हैज द पोटेंशियल टू डीरेल द ग्लोबल ग्रोथ. सेकंड क्वेश्चन विच कुड बी आस्क्ड इज, US चाइना ट्रेड वॉर हैज द पोटेंशियल टू रीइग्नाइट द कोल्ड वॉर, कमेंट. तो ये 2 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए मेन्स के लिए. तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इस पेज पे, और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है. नाउ कम टू द सेकेंड पेज एंड हियर वी हैव अ न्यूज रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली. तो अभी जो एक रिसर्च हुआ है, हिंदू ने एनालाइज किया कि फॉर द लास्ट 28 डेज अराउंड 17 डेज रिकॉर्डेड हाई डस्ट पॉल्यूशन. तो ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि जब भी दिल्ली में पॉल्यूशन की बात होती है तो एंटायर ब्लेम इज बीइंग पुट ऑन स्टबल बर्निंग, ठीक है, कि उसको आप कैसे कर्व कर सकते हो. बट वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द पॉल्यूशन इन दिल्ली इज डस्ट पॉल्यूशन ऑल्सो. तो जब भी आप लोग अपना आंसर लिखें पॉल्यूशन के ऊपर तो डस्ट पॉल्यूशन के ऊपर भी जरूर फोकस करें. यहाँ पे जो डस्ट पॉल्यूशन का मेजर सोर्स है वो है कि रोड में जो डस्ट पड़ी रहती है एंड व्हेन देयर इज अ विंड देन दिस डस्ट पार्टिकल गो अप इन द एयर एंड कॉज डस्ट पॉल्यूशन. एंड सेकेंड वन इज द डस्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, ठीक है. तो जितना भी कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है वहां पे उसको प्रॉपर मेजर्स नहीं लिए जाते हैं कि उसको कवर करके रखा जाए, इसके कारण से डस्ट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. अब यहाँ पे जो एक हमारा मेंशनड है सिस्टम, सफर सिस्टम, दैट इज सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या है. सफर का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च. ये कैसा प्रोग्राम है, इट इज़ अ रिसर्च प्रोग्राम टू बिल्ड एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, ठीक है, कि एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या अप्रोचेज लाए जा सकते हैं उसको लेकर के ये प्रोग्राम है. एंड इट वॉज लॉन्च्ड इन ग्रेटर मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन एयर क्वालिटी इन नियर रियल टाइम, ठीक है, इसको लेकर के. इसको डेवलप किसने किया है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड इट इज़ ऑपरेशनलाइज्ड बाई इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. तो डेवलप किसने किया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने, एंड इसको ऑपरेशनलाइज कौन कर रहा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. इसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को कवर किया गया है, PM1, PM2.5, PM10, PM का फुल फॉर्म है पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, SO2, मीथेन एंड नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेंजीन एंड मरकरी. दीज आर द पॉल्यूटेंट्स विच आर मॉनिटर्ड अंडर सफर सिस्टम एंड द मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स विच आर कवर्ड आर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन एंड सोलर रेडिएशन. तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे सफर सिस्टम के बारे में. अब आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 4 पे, आ जाइए. पेज नंबर 3 पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. सो नाउ कम टू द पेज नंबर 5.
हियर वी हैव अ न्यूज अगेन रिलेटेड टू मैनुअल स्केवेंजिंग, ठीक है। तो इन दिल्ली अगेन टू वर्कर्स हैव डाइड बिकॉज ऑफ इनहेलिंग द पॉइजनस गैसेस व्हाइल क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो मैनुअल स्केवेंजिंग का इशू जो है वो आपसे जीएस पेपर वन में भी पूछा जा सकता है कि इसका कास्ट सिस्टम से क्या रिलेशन है, या व्हाई इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ये कर्ब क्यों नहीं किया जा पा रहा है, एंड इसको लेकर के जो मैनुअल स्केवेंजिंग एक्ट बना था ये कितना इफेक्टिव है, जो इसको लेकर के जो मैनुअल स्केवेंजर्स थे उनको लेकर के जो स्कीम बनाई गई थी, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू मैनुअल स्केवेंजर्स, इसको लेकर के क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो ये सारा कुछ हम लोगों को ध्यान में रखना है जब मैनुअल स्केवेंजिंग के ऊपर आंसर लिखें। एंड सेकेंड थिंग दैट इज रिलेटेड टू मैनुअल स्केवेंजिंग इज दैट इट हाईलाइट्स द फेलियर ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान में गवर्नमेंट ने टॉयलेट्स तो बनवा दिए हैं, बट दे हैव नॉट प्रोवाइडेड एनफ मशीनरी और इक्विपमेंट फॉर द क्लीनिंग ऑफ द सेप्टिक टैंक्स। अब जहां पे मशीन नहीं जा सकती है वहां पे इफ ह्यूमंस हैव टू गो देन दे शुड बी प्रोवाइडेड विद सेफ्टी गियर्स एंड ऑल दोज इक्विपमेंट्स, तो वो भी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा फेलियर है स्वच्छ भारत अभियान का। तो ये जरूर आप आंसर में हाईलाइट करिएगा, दिस ईयर इज द कंप्लीशन ईयर ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ स्वच्छ भारत अभियान ऑन 2nd of October 2019 फर्स्ट फेज ऑफ स्वच्छ भारत अभियान विल बी कंप्लीटेड। तो उसको लेकर के हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये पॉइंट आप लोग जरूर हाईलाइट करिएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 6 पे। यहाँ पे एक न्यूज़ है रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, एंड यहाँ राजस्थान में क्या हुआ है कि वहाँ के गवर्नर ने बोला है कि ऑल द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ विल अडॉप्ट वन विलेज इन ईच स्टेट एवरी ईयर टू कन्वर्ट देम इनटू स्मार्ट विलेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है अभी भी अराउंड 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज, एंड अनटिल एंड अनलेस रूरल एरियाज डेवलपमेंट टेक प्लेस इंडिया कैन नॉट बी अ डेवलप्ड नेशन। एंड एक चीज ध्यान रखिएगा, रूरल एरियाज का डेवलपमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर सारे के सारे लोग शहरों में आकर के रहने लगेंगे तो वहां का जो पानी है, वहां की जो लैंड है, वहां का जो पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वी शुड एम फॉर द रूरल डेवलपमेंट, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एंड इसको आप लोग अपने आंसर्स में हाईलाइट कर सकते हैं अगर रूरल डेवलपमेंट में पूछा जाए। सो यू कैन हाईलाइट दिस इनिशिएटिव कि दिस इनिशिएटिव हैज बीन टेकन इन द राजस्थान वेयर सेंट्रल वेयर ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज विल अडॉप्ट वन विलेज इन स्टेट एवरी ईयर टू कन्वर्ट देम इनटू स्मार्ट विलेजेस। एंड यहाँ पे फोकस क्या होगा, फोकस किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है राजस्थान गवर्नमेंट का, and we can use it for our own benefit. अब आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे एक न्यूज है, दैट दिस न्यूज इज रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस। तो यहां पे जो कर्नाटका के गवर्नर हैं बाजू भाई आर वाला, ही हैज रिटर्न्ड an ordinance which was suggested by the state council of minister, तो उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऑर्डिनेंस के बारे में समझ लेते हैं कि ऑर्डिनेंस कौन कौन इशू कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे ऑर्डिनेंस की जो इशूइंग पावर अथॉरिटी है डेट इज विथ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस, एंड अंडर आर्टिकल 213 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर हैज द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो आर्टिकल 123 में कौन इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 213 में कौन इशू कर सकता है, गवर्नर। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्यों दी गई है एग्जीक्यूटिव के पास, टू मीट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस, ठीक है। मान लीजिए ऐसा होता है कि अभी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमरजेंसी आ जाती है एंड बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, तो उससे कैसे डील किया जाएगा, उसके लिए ये पावर दी गई थी गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को। अब दिस पावर हैज बीन मतलब highly abused और misused power। जब भी government को लगता है या कोई भी central government हो या state government हो, they think that कि we have to bypass the assembly or parliament, then they take the ordinance route, ठीक है। ऐसा किया जाता है एंड दिस इज कंप्लीटली अब्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। एंड जब भी ऑर्डिनेंस के बारे में अगर आप लोगों को आंसर राइटिंग में कुछ पूछा जाता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दो केसेस को जरूर हाईलाइट करिएगा। एक तो पहला है 1970 का कूपर केस, एंड सेकेंड वन इज द डीसी वाधवा केस ऑफ 1987। अब इन दोनों में 1970 में जब कूपर केस हुआ, इन दैट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि इफ एन ऑर्डिनेंस इज इशूड बाई द प्रेसिडेंट देन इट्स ऑन वट ग्राउंड इट हैज बीन इशूड कैन बी क्वेश्चन इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो पहले था कि प्रेसिडेंट किस बेसिस पे ऑर्डिनेंस इशू कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, बट इन 1970 इन कूपर केस
सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सेड दैट कि ऑन द ग्राउंड फॉर इशूइंग ऑफ ऑर्डिनेंस कुड बी क्वेश्चन इन द कोर्ट, ठीक है। दूसरा जो जजमेंट है दैट इज रिलेटेड टू डीसी बाधवा केस, एंड ये केस क्या था कि फ्रॉम 1967 टू 1981 इन बिहार 256 ऑर्डिनेंसेस वर प्रोमलगेटेड एंड सम ऑफ दीज ऑर्डिनेंसेस लास्टेड फॉर अराउंड 14 ईयर्स। तो आप समझ सकते हैं कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि यू हैव टू मीट इमरजेंसी सिचुएशन, एंड फॉर द 14 ईयर्स कैन यू इमेजिन कि इमरजेंसी रही आई होगी एंड असेंबली में उस बिल को नहीं रखा गया। वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका था कि किसी भी बिल को जो कंट्रोवर्शियल बिल है या जिसपे आप मेजोरिटी नहीं ला सकते हैं उसको असेंबली में नहीं रखा जाए, एंड टू बाईपास द असेंबली दिस ऑर्डिनेंस रूट वॉज बींग यूज। एंड हियर इन द डीसी वाधवा केस सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट कि सक्सेसिव रिप्रोमलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंसेज विद द सेम टेक्स विदाउट एनी अटेम्प्ट टू गेट द बिल्स पास बाय द असेंबली वुड अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्डिनेंस सो रिप्रोमलगेटेड इज लाइबल टू बी स्ट्रक डाउन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप ऐसा ऑर्डिनेंस रूट लेते रहेंगे बार बार सो इट हैज द पावर टू स्ट्रक डाउन दैट ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो ये दो केसेस को हम लोग ध्यान रखेंगे, एंड ये आप जो सो ये जो मैंने आपको बताया दैट हैज बीन कोटेड फ्रॉम लक्ष्मीकांत, ठीक है। तो हमेशा अपने करंट को स्टैटिक पोर्शन के साथ लिंक करते चलें। तो ये हो गया हमारा ऑर्डिनेंस वाला इशू। रिमेंबर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट की पावर है ऑर्डिनेंस इशू करना, आर्टिकल 213 गवर्नर की पावर है ऑर्डिनेंस को इशू करना, ठीक है। दो केसेस ध्यान रखेंगे, कूपर केस 1970, डीसी बाधवा केस ऑफ 1987, ठीक। तो ये हो गई हमारा ऑर्डिनेंस से रिलेटेड न्यूज। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे हुसैन सागर लेक इज मेंशन, सो रिमेंबर डैट कि हुसैन सागर लेक इज इन हैदराबाद, ठीक है। ये जो लोग वनडे टाइप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, हुसैन सागर लेक इज इन हैदराबाद। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे एक न्यूज है जया अरुणाचलम से रिलेटेड, ठीक है। अब ये कौन थी, शी वॉज द फाउंडर ऑफ वर्किंग वुमेन्स फोरम, ठीक है, एंड शी इज कंसिडर्ड एज द पायनियर ऑफ द वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट इन द कंट्री, एंड शी हैज डाइड एट द एज ऑफ 87। तो वन डे टाइप एग्जाम्स में पूछा जा सकता है जया अरुणाचलम वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ध्यान रखेंगे हम लोग वर्किंग वुमेन्स फोरम। एंड यूपीएससी वाले इस न्यूज़ को कैसे यूज कर सकते हैं, जब भी आप लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट के बारे में लिखें तो वहाँ पे अगर इफ यू कैन यूज हर नेम यू कैन यूज इट कि शी वॉज द फाउंडर ऑफ वुमेन वर्किंग वुमेन्स फोरम, एंड शी वॉज अवॉर्डेड विथ पद्मश्री इन 1987 एंड जमन लाल बजाज अवॉर्ड इन 2009 फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन। इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं, एंड दिस न्यूज इज रिलेटेड टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द निर्भया फंड, ठीक है। हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि वुमेन की सिक्योरिटी को लेकर कितना बड़ा इशू है, एंड ऑल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स वुड से दैट कि वी डोंट हैव फोर्सेस टू मॉडर्नाइज अवर पुलिस और वी डोंट हैव फंड्स फॉर सेटिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अब यहाँ पे जब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फंड दे रही है दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज मोर देन 20% ऑफ दैट फंड, ठीक है। तो निर्भया फंड का सिर्फ 20% यूटिलाइज किया गया है अभी तक स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज द्वारा। अब ये निर्भया फंड कब बना था, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2013 आफ्टर दैट इन फेमस डेली गैंग रेप केस। इट वॉज निर्भया फंड वॉज सेटअप इन 2013 विथ एन इनिशियल कॉर्पस ऑफ रुपीज 1000 करोड़, एंड इसमें जो है वो बहुत सारी स्कीम्स को फंड किया जाना था, एंड द की स्कीम्स वर एमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, वन स्टॉप स्कीम, महिला पुलिस वॉलंटियर एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन स्कीम। इन सारी स्कीम्स में इन फंड को यूज किया जाना था, बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्टेट्स हैव नॉन परफॉर्म्ड इन दिस स्कीम। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, जब भी आप लोग वुमेन सेफ्टी के बारे में लिखें तो एक तो आप निर्भया फंड के बारे में लिख सकते हैं कि निर्भया फंड हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2013 विद एन इनिशियल कॉर्पस ऑफ रुपीज 1000 करोड़, एंड इट फोकसेस ऑन फॉलोइंग सिस्टम्स, एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, एंड देन यू कैन ऑल्सो क्रिटिकली एनालाइज की हाउ गवर्नमेंट हैव अंडर यूटिलाइज दीज फंड्स, इन फंड्स का कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये एक मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग निर्भया फंड के बारे में। इसके बाद यहाँ पे कुछ एक टाइगर रिजर्व मेंशन है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, एंड रिमेंबर दैट सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज इन तमिलनाडु, ठीक है, एंड इट इज लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। कई बार यूपीएससी लोकेशन वाइज भी पूछ सकता है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, सो रिमेंबर दैट इट इज लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स
एंड अपार्ट फ्रॉम टाइगर्स द रीजन इज नोटेड फॉर एलिफेंट्स, गौर, ब्लैक बक, फोर हॉर्न्ड एंटेलोप, लेपर्ड, हाइना एंड वाइल्ड डॉग, व्हाइट बैक्ड वल्चर. ठीक है, तो ये सारे वाइल्ड लाइफ वहाँ पे पाया जाता है. द टाइगर रिजर्व्स इन तमिलनाडु आर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, अनमलाई टाइगर रिजर्व, मुडुमलाई टाइगर रिजर्व एंड कलक्कड़ मुडन थुराई टाइगर रिजर्व. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, चार टाइगर रिजर्व्स हैं तमिलनाडु में, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मुडुमलाई टाइगर रिजर्व एंड कलाकड़ मुरन थुराई टाइगर रिजर्व. ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप न्यूज़ में जो टाइगर रिजर्व्स हाईलाइट है अगर उनको याद रखेंगे, सो यू कैन ईजिली रिमेंबर एंड ईजिली आंसर द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड अबाउट टाइगर रिजर्व्स इन UPSC. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग टाइगर रिजर्व्स के बारे में. इसके बाद आ जाते हैं हम लोग पेज नंबर 10 पे. यहाँ पे जो हमारी न्यूज़ है डैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 370. एंड ये न्यूज़ क्यों बनी, बिकॉज ऑफ द स्पीच ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन पार्लियामेंट, वेयर ही हैज सेड दैट कि आर्टिकल 370 वाज अ टेम्परेरी प्रोविजन एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल हैव टू गो. ठीक है, कि मतलब उसको सोचा जा सकता है कि उसको कैसे ख़त्म किया जाए. ठीक है, तो इसको लेकर के ये न्यूज़ थी. अब जो सीनियर कांग्रेस लीडर करण सिंह हैं एंड तो उन्होंने बोला है कि देयर वर मेनी अदर प्रोविजंस विच वर टेम्परेरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसे और भी बहुत सारे प्रोविजंस थे, फॉर एग्जांपल दैट द रिजर्वेशन दैट वाज प्रोवाइडेड टू द शेड्यूल कास्ट वाज प्रोवाइडेड फॉर द 10 years. इट वाज आल्सो अ टेम्परेरी प्रोविजन, लेकिन क्योंकि सिचुएशंस इंप्रूव नहीं हुई या हुई जो भी है, लेकिन इफ पॉलिटिशियंस फेल्ट दैट कि रिजर्वेशन शुड बी कंटिन्यूड एंड कंडीशन डिमांड्स सो अ सॉर्ट ऑफ दोज प्रोविजन, इफ दोज प्रोविजन कैन कंटिन्यू देन वाई देर इज सो मच टॉक अबाउट आर्टिकल 370. एंड देर आर ऑल्सो सेवरल सर्टेन अदर टेम्परेरी प्रोविजन फॉर लाइक आर्टिकल 371 फॉर डेट विच ग्रांट्स स्पेशल स्टेटस टू महाराष्ट्र एंड गुजरात, आर्टिकल 371A विच ग्रांट्स स्पेशल स्टेटस टू नागालैंड. ये सारे प्रोविजन भी तो टेम्परेरी हैं, कोई इन पर बात क्यों नहीं करता है? ये कहना है डॉक्टर करण सिंह का. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आर्टिकल 370 के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या है. आर्टिकल 370 इज अ टेम्परेरी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ग्रांट्स स्पेशल ऑटोनॉमस स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू कश्मीर को जो एक स्पेशल ऑटोनॉमस स्टेज मिला हुआ है इंडिया में, वो कौन प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 370. इसका पार्ट कौन सा है? रिमेंबर अंडर पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विथ टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन अकॉर्डेड स्पेशल स्टेटस एंड All the provisions of the constitution which are applicable to other states are not applicable to Jammu and Kashmir. And इसके important provisions क्या हैं इस article के? According to this article, except for defense, foreign affairs, finance and communication, parliament needs the state government concurrence for applying all other laws. ठीक है, तो सबसे पहला ये है कि डिफेंस, चार चीज़ें, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन. इसके अलावा अगर पार्लियामेंट को अपना कोई भी लॉ उस स्टेट के लिए अप्लाई करना है या लागू करना है, देन दे विल हैव टू टेक द कंकरेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. सेकेंड पॉइंट ऑफ अबाउट दिस आर्टिकल इज इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अदर स्टेट्स कैन नॉट परचेज लैंड और प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल. अंडर आर्टिकल 370 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नो पावर टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द स्टेट. ठीक है, तो सेंटर डज नॉट हैव द पावर टू इशू फाइनेंशियल इमरजेंसी फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. एंड अंडर आर्टिकल 370 द इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्रीज और रिड्यूस द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन्स हैं आर्टिकल 370 के, और भी बहुत सारे प्रोविजन्स होंगे लेकिन जो हमने वो देखे हैं जो मेजरली यूज किए जाते हैं. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग आर्टिकल 370 के बारे में. इट ग्रांट्स स्पेशल ऑटोनॉमस स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देन इट इज मैंशनड इन पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन्स एंड कुछ जो प्रोविजन्स हैं अपार्ट फ्रॉम डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस. इसके अलावा अगर आपको जम्मू कश्मीर में सेंटर का कोई भी लॉ अप्लाई करना है, देन यू विल हैव टू टेक द कंकरेंस ऑफ द स्टेट असेंबली. प्रॉपर्टी को लेकर के इशू है कि इंडियन सिटीजन्स कैन नॉट बाई और सेल द प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर. एंड थर्ड पॉइंट इज कि अंडर आर्टिकल 370 स्टेट कैन नॉट इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑन द स्टेट. एंड अंडर आर्टिकल 370 इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट. तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे आर्टिकल 370 के बारे में. इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 11 पे. यहाँ पे एक न्यूज़ है विच इज़ रिलेटेड टू आयुष्मान भारत स्कीम एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
जब G20 समिट में गए हुए थे, देयर ही हैज हाईलाइटेड प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम एज वेल एज योगा। तो योगा को हम लोग सभी जानते हैं कि 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर किया था 21 जून को, एंड योगा हाईलाइट्स द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री ने 5 A's के बारे में बात की है फॉर हेल्थ सर्विसेज। सो 5 A's आर एक्सेसिबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी, अप्रोप्रिएटनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड एडॉप्टेबल। तो जब भी आप लोग हेल्थ सर्विसेज के बारे में लिखें या किसी भी पॉलिसी को एनालाइज करें हेल्थ से रिलेटेड, तो इन 5 A's का यूज करके आप उसको एनालाइज कर सकते हैं या उसके बारे में लिख सकते हैं, या सजेशंस देना हो तो इन्हीं 5 A's से रिलेटेड देना चाहिए कि कैसे एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, कैसे अफोर्डेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, कैसे अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, कैसे एडाप्टेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। सो रिमेंबर दीज 5 A's, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, अप्रोप्रिएट, अकाउंटेबल एंड एडाप्टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में देख लेते हैं, ये क्या है। सो इट इज़ एन हेल्थ स्कीम विच वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2018, एंड इसका एम क्या है, इट एम्स टू कवर 10 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ कवर अप टू 5 लाख रुपीज पर फैमिली एवरी ईयर। सो इट विल प्रोवाइड एक हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ कवर टाइप का दिया जाएगा 5 लाख रुपए का पर फैमिली पर ईयर, एंड एक्सपेंसेस इन दिस आयुष्मान भारत स्कीम आर टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन द रेशियो ऑफ 60:40। एंड इस स्कीम के बारे में एक और चीज ध्यान रखेंगे कि हेल्थ इज अंडर स्टेट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हेल्थ किस लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में। तो ये हो गया हमारा आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में। देन हियर इज अ न्यूज दैट इज रिलेटेड टू वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम। ठीक है, तो अब ये स्कीम क्यों लाई जा रही है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे कोई वर्कर है या कोई लेबरर है जो बिहार का है, वो गुजरात में चला जाता है। बिहार में अगर वो रहता तो उसे गवर्नमेंट सस्ते रेट में प्रोवाइड सीरियल्स प्रोवाइड कराती या अनाज प्रोवाइड कराती, उसको न्यूट्रिशन देने की कोशिश करती। लेकिन एज ही हैज शिफ्टेड फ्रॉम बिहार टू गुजरात, तो वहाँ पे उसका राशन कार्ड नहीं होगा, तो उसको सस्ते दरों पे अनाज नहीं मिल पाएगा। सो नाउ गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि वी विल हैव अ वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम फ्रॉम July 1, एंड दिस विल अलाउ द पोर्टेबिलिटी ऑफ द लेबरर्स टू यूज देयर राशन कार्ड एल्सवेयर इन द कंट्री। अब ये ध्यान रखेंगे हम लोग इस स्कीम में कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे पोर्टेबिलिटी अभी अलाउड है, एंड आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना एंड त्रिपुरा, दीज स्टेट्स अलाउ फॉर पोर्टेबिलिटी ऑफ PDS एंटाइटलमेंट्स। ये ध्यान रखेंगे हम लोग। इसके अलावा इस एक न्यूज में एक और चीज ध्यान रखने लायक है कि इसका फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है इंडिया का, वो इंप्रूव करने की कोशिश इसके जरिए की जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, आ जाइए। हियर वी हैव अ न्यूज इन द वर्ल्ड पेज दैट इज रिलेटेड टू रशिया, इंडिया एंड चाइना ट्राइलेटरल मीटिंग इन द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट। ठीक है, तो अब ये ऐसा दूसरी बार हो रहा है विद इन अ मंथ दैट रशिया, इंडिया एंड चाइना आर मीटिंग। रिमेंबर दिस एक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेस्टर्न में अभी वेस्टर्न कंट्रीज में जो डिस्टर्बेंस चल रही है, या यूनाइटेड स्टेट्स में जो यूनिलेटरलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म एंड आइसोलेशनिज्म आ रहा है, उसके कारण ये एक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रशिया, इंडिया एंड चाइना का। एंड नाउ दीज थ्री कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू कॉपरेट ऑन 5G नेटवर्क, हाई टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी, एनर्जी एंड अदर एरियाज। एंड इसका कंट्रीब्यूशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस एक ऑर्गेनाइजेशन का आप काउंटर देख सकते हैं टू G7। ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुपिंग है उसके काउंटर में ये एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प कर सकता है। एंड ऑल्सो दिस पॉइंट नीड्स टू बी व्यूड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया चाइना इश्यूज। तो जब भी इंडिया चाइना की बात होती है तो ज्यादातर टाइम क्या होता है कि हम लोग सिर्फ डिफरेंसेस को हाईलाइट करते रहते हैं, इंडिया चाइना के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बट व्हेन यू आर राइटिंग द मेंस आंसर और इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू अबाउट इंडिया चाइना रिलेशंस इन द इंटरव्यू, देन यू शुड ऑल्सो टॉक अबाउट द एरियाज ऑफ कॉपरेशन। सो हाईलाइट दिस कि रशिया, इंडिया, चाइना का जो ट्राइलेटरल समिट है, नाउ इट हैज बीन डिसाइडेड टू इंस्टीट्यूशनलाइज इट, तो उसको भी हाईलाइट करिए। ठीक है, एंड दे कैन कॉपरेट इन 5G नेटवर्क, हाई टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी, दे कैन ऑल्सो कॉल फॉर द गवर्नेंस, फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ WTO स्ट्रक्चर एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो इन सारे एरियाज पे जो है इंडिया चाइना कॉपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइलेटरल मीटिंग के बारे में।
Now come to page number 15. And here we have a news that is related to inflation. तो जो आरबीआई के गवर्नर हैं आउटगोइंग डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य, ही हैज सेड कि लो ऑयल प्राइस एंड फूड सप्लाई केप्ट इन्फ्लेशन लो. ठीक है, अब यहां पे जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बात की गई है, तो हम लोग थोड़ा सा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या होता है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक्सप्रेसेस द करंट प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन अ प्रीवियस ईयर टू शो द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन परचेजिंग पावर. ठीक है, तो अभी कितना रेट चल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हाईलाइट करने के लिए जो इंडेक्स है दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. एंड इट इज रिलीज्ड एट द नेशनल लेवल एंड इसका कई कैटेगरीज में रिलीज किया जाता है. सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स विच इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे. ये यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किस कौन से मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है. तो रिमेंबर CPI for industrial workers is released by Ministry of Labour and Employment. CPI for agricultural labourers and rural labourers is released by Ministry of Labour and Employment. CPI for rural, urban and combined is released by CSO under the Ministry of Statistics and Program Implementation. तो जो industrial workers के लिए है and agricultural labour and rural labourers के लिए है वो कौन release करता है? Ministry of लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. जो रूरल सीपीआई फॉर रूरल अर्बन एंड कंबाइंड है वो कौन रिलीज करता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. एंड आरबीआई यूजेस द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज्ड बाय सीएसओ टू मेजर इन्फ्लेशन. ठीक है, एंड सीपीआई को जो है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोला जाता है, ये ध्यान रखेंगे. एंड बेस ईयर फॉर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज 2011-2012. तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में. अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे. यहाँ पे हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं एंड सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू ब्लैक मनी. अब न्यू क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज इट सो मच डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई अनअकाउंटेड इनकम. तो सबसे पहली दिक्कत तो यही है कि आप ब्लैक मनी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं. देयर इज नो प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ ब्लैक मनी एंड देर आर सेवरल टर्म्स विच आर यूज फॉर इट लाइक ब्लैक मनी, ब्लैक इनकम, अनअकाउंटेड इकोनॉमी, इलीगल इकोनॉमी. एंड ब्लैक मनी कुड बी ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज दैट विच हैज़ बीन अर्नड थ्रू इलीगल एक्टिविटी. एक तो आपने गलत काम करके कोई पैसा कमाया है. सेकेंड सॉर्ट ऑफ ब्लैक मनी इज की इट इज यू हैव अर्नड इट थ्रू लीगल मीन्स बट यू हैव अंडर अनरिपोर्टेड, या आपने टैक्स अथॉरिटीज को बताया नहीं कि आपके पास इतनी इनकम है. तो ये ब्लैक मनी दो तरह से हो सकता है. अभी इसको लेकर के एक रिपोर्ट आई थी स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस की पार्लियामेंट में एंड उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट इजी टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी इन द इकोनॉमी एंड एस्टीमेट्स वेरी फ्रॉम 7% टू 120% ऑफ द GDP. ठीक है, तो इतना वाइड जब वेरिएशन होता है सो यू कैन नॉट कंक्लूड व्हाट अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी इज देयर इन द इंडियन इकोनॉमी. तो इसको लेकर के ये पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया था एंड स्टैंडिंग कमिटी हैज फाउंड दैट के हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ ब्लैक मनी इज इन रियल इस्टेट, माइनिंग, फार्मास्यूटिकल्स, पान मसाला, गुटखा एंड टोबैको इंडस्ट्री, बुलियन एंड कमोडिटी मार्केट्स. अब जब आप लोग ब्लैक मनी के बारे में लिखें तो इन सारी इंडस्ट्रीज का नाम मेंशन करें कि इफ यू हैव टू कर्व द ब्लैक मनी देन यू शुड फोकस और सॉर्ट ऑफ रेगुलेट दीज इंडस्ट्रीज, रियल इस्टेट, माइनिंग, फार्मास्यूटिकल, पान मसाला. तो इन सारी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करके या रेगुलेट करके ही ब्लैक मनी को कर्व किया जा सकता है. अब इस आर्टिकल के एंड में कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के हाईलाइट किए गए हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं टू कर्व द ब्लैक मनी. इन सारे के सारे इनिशिएटिव्स को एज इट इज याद रखना है सो डैट इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन मेंस व्हाट वर द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कर्व द ब्लैक मनी, तो आप उसको जल्दी से जल्दी आंसर कर सकें. तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. तो उसको लेकर के उसका क्या फायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका ट्रांजेक्शन है डेट विल बी अकाउंटेड फॉर, डेट विल कम इनटू अ फॉर्मल इकोनॉमी, तो उसके जरिए ब्लैक मनी कर्व होगा. सेकेंड थिंग दैट द गवर्नमेंट हैज डन इज प्रोमल्गेशन ऑफ एन एक्ट द ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015. थर्ड वन इज बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट. फोर्थ वन इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट. इसके अलावा गवर्नमेंट हैज मैंडेट द रिपोर्टिंग ऑफ पैन फॉर ट्रांजेक्शंस ऑफ मोर देन रुपीज 2.5 लाख कंपलसरी. दे हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ कैश रिसिप्ट्स ऑफ रुपीज 2 लाख और मोर. ठीक है, तो आप 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं रख सकते हैं. 2.5 लाख से ज्यादा का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं देन यू विल हैव टू कोट योर पैन. सो ऑल दीज मेजर्स आर सॉर्ट ऑफ कीपिंग अ ट्रैक ऑन द मनी कि कौन कितना पैसा कहाँ इस्तेमाल कर रहा है. तो इन सारी चीजों को आप हाईलाइट कर सकते हैं
कि हाउ द ब्लैक मनी कुड बी कर्ब्ड और व्हाट वर द स्टेप्स दैट हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर कर्बिंग द ब्लैक मनी। इसके बाद जो दूसरा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। एंड रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप जो है इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन आशियान 10 कंट्रीज ऑफ आशियान एंड 6 अदर कंट्रीज एंड दीज 6 कंट्रीज आर इंडिया चाइना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड वी हैव जापान एंड साउथ कोरिया। तो ये 16 कंट्रीज हैं विच आर सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू एंटर इन टू एन एग्रीमेंट फॉर द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब इसको लेकर के क्यों न्यूज़ है, बिकॉज मेनी कंट्रीज आर सेइंग दैट कि इफ इंडिया और द अदर टू कंट्रीज सच एज ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आर नॉट विलिंग टू ज्वाइन द आरसीईपी एट प्रेजेंट डेट दे माइट ज्वाइन आरसीईपी एट अ लेटर डेट। अगर अभी नहीं ज्वाइन करना चाहते तो जो 13 कंट्रीज विच आर रेडी फॉर ज्वाइनिंग द आरसीईपी देन दैट कंट्रीज शुड फॉर्मुलेट, वो लोग तय कर लें कि हमको डील करना है एंड दीज 3 कंट्रीज कैन ज्वाइन एट अ लेटर डेट। ठीक है, तो ये आरसीईपी के बारे में है। आरसीईपी का इंपॉर्टेंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आरसीईपी की 16 कंट्रीज हैं देन मेक अप 45% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 33% ऑफ द जीडीपी ऑफ वर्ल्ड एंड 28% ऑफ ऑल ट्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। इसका फायदा क्या होगा, अगर आरसीईपी एग्रीमेंट हो जाएगा इट विल ब्रिंग स्टेबिलिटी टू एन अदरवाइज अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड मार्केट। तो अभी यूएस के कारण जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ रही है उसको कम करने में भी आरसीईपी मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये है। अब इंडिया क्यों इस आरसीईपी नेगोशिएशंस में इंडिया को क्या दिक्कत है, व्हाट आर द मेजर कंसर्न्स फॉर इंडिया। तो फर्स्ट कंसर्न इज कि इंडिया नीड्स टू प्रोटेक्ट इस इकोनॉमी फ्रॉम द फ्लडिंग ऑफ चीप इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। तो इंडिया को डर है कि इफ वी एंटर इनटू अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अंडर आरसीईपी विद चाइना देन चाइना जो है वो अपने सारे के सारे जो चीप प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में डंप कर देगा। इसके कारण दिक्कत क्या होगी कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी ही कमजोर है एंड जब चीपर प्रोडक्ट्स आने लगेंगे तो और कम मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो जॉब लेस होगी तो उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो अनरेस्ट बढ़ेगा। तो उसको लेकर के इंडिया का एक इशू है। सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का क्या इशू है, दे आर कंसर्न्ड अबाउट द एनवायरमेंट एंड लेबर लॉस। तो सिर्फ इंडिया नहीं है जिसको आरसीपी एग्रीमेंट्स के साथ प्रॉब्लम है, दूसरे कंट्रीज भी हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, दे हैव अ प्रॉब्लम विथ रिगार्ड टू एनवायरमेंटल लॉस एंड लेबर लॉस। ठीक है, एंड स्टील एंड देर आर मेनी मैन्युफैक्चरर्स विच हैज आस्क्ड द इंडियन गवर्नमेंट नॉट टू एंटर इनटू एन FTA अंडर द RCEP। ठीक है, तो स्टील एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज हैं, कॉपर इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, दे हैव सेड कि इंडियन गवर्नमेंट शुड नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ RCEP कंट्रीज। अब यहाँ पे इंडिया क्या चाहता है, इंडिया वॉन्ट्स कि देर शुड बी एन स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ओरिजिन मार्किंग ऑन ऑल गुड्स सो दे डोंट कम इन थ्रू अ थर्ड कंट्री। तो इंडिया चाहता है कि चाइना के अलावा बाकी कंट्रीज अपना प्रोडक्ट जो भी वो बनाते हैं वो इंपोर्ट करें इंडिया में, लेकिन चाइना से जो चीपर प्रोडक्ट्स हैं वो ना आए। दूसरा जो इशू है इंडिया का डेट इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज की, मतलब जो ये सारी कंट्रीज हैं दे आर नॉट रेडी टू ओपन देयर मार्केट फॉर द इंडियन वर्कर्स। ठीक है, तो आप अपना गुड तो एक्सपोर्ट करना चाहते हो बट जो इंडियन सर्विसेज हैं एंड इंडियन मैन पावर है यू डोंट वॉन्ट टू इम्पोर्ट देम, तो कैसे डील हो सकती है। तो उसको लेकर के जब तक नेगोशिएशन नहीं होगा टिल देन इंडिया विल ट्राई टू नेगोशिएट इन द आरसीईपी। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ थी हमारी आरसीईपी से रिलेटेड। इसके बाद यहाँ पे एक फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है कि वाई आर मॉनसून सो डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। ठीक है, सो इसका सिंपल आंसर ये हो सकता है कि इसमें इतने सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं मॉनसून को प्रेडिक्ट करने में कि वो कभी भी आसान हो ही नहीं सकता कि आप मॉनसून को बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर लो। यहाँ पे दो मॉडल्स को हाईलाइट किया गया है, फर्स्ट वन इज द स्टैटिस्टिकल मॉडल विच वॉज यूज अप टिल 2010 एंड सेकेंड वन इज द डायनेमिक मॉडल विच हैज बीन इज इन यूज फॉर फ्रॉम 2015। अब स्टैटिस्टिकल मॉडल का क्या था कि वो ओवरऑल व्यू दे देता था कि आपको जून से सितंबर तक कितनी बारिश मिलेगी या फिर आप जून में कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जुलाई में कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड अगस्त में कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डायनामिक मॉडल का एडवांटेज ये है कि आप 2-3 दिन पहले भी फार्मर्स को बता सकते हो कि कितनी बारिश होगी और कहाँ होगी, किस एरिया में कितना होगा। तो उसको लेकर के ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था एंड नथिंग मच वॉज ओवर देयर। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि डज द मॉनसून हैव अ बियरिंग ऑन इंडियाज वाटर क्राइसिस, कि मॉनसून के जरिए इंडिया का वाटर क्राइसिस सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आंसर इज बोथ यस एंड नो। मॉनसून के कारण आपके पास 3-4-6 महीने के लिए तो पानी आ जाएगा
बट द रियल कॉज ऑफ द इंडियाज वाटर क्राइसिस प्रॉब्लम इज ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ रिजर्वायर. तो जो आप स्टोर नहीं कर रहे उसके कारण दिक्कत है एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. तो जब तक आप इन दोनों इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक यू कैन नॉट सॉल्व द वाटर क्राइसिस ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा उससे रिलेटेड था. नाउ कम टू द साइंस पेज. यहाँ पे एक न्यूज है एंड दिस न्यूज इज रिलेटेड टू सोलर मिशन ऑफ वेरियस कंट्रीज. ठीक है, तो नासा का पंच मिशन हो या इंडिया का आदित्य L1 मिशन हो, दे ऑल आर रिलेटेड टू सन एंड दे ऑल आर सोलर मिशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग. पंच मिशन किसका है? नासा का. पंच का फुल फॉर्म क्या है? पोलैरिमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर. पंच का फुल फॉर्म पोलैरिमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर. यूपीएससी में जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि पंच मिशन किस स्पेस एजेंसी का है. सो रिमेंबर कि नासा का है. किस लिए है? इट विल इमेज द सन एंड इट विल इमेज रीजन्स बियॉन्ड द सन्स आउटर कोरोना. तो सन की स्टडी करने के लिए ये पंच मिशन बनाया गया है. ठीक है, अब इंडिया एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड इन 2022 एंड दिस मिशन विल इमेज एंड ट्रैक द सोलर विंड एंड ऑल्सो द कोरोनल मास इजेक्शंस. अब कोरोनल मास इजेक्शंस क्या होते हैं? दीज आर द ह्यूज मासेस ऑफ प्लाज्मा डेट गेट थ्रोन आउट ऑफ द सन्स एटमोस्फियर. ठीक है, तो उसको लेकर के ये पूरा का पूरा स्टडी किया जाएगा. इसके पहले नासा ने पार्कर सोलर प्रोब भी लॉन्च किया हुआ है एंड ESA नासा जॉइंट प्रोजेक्ट ऑन सोलर ऑर्बिटर हैज बीन विच विल बी लॉन्च्ड इन 2020 टू स्टडी द स्ट्रक्चर्स ऑफ द सन्स एटमोस्फियर. ठीक है, तो ये तीन हम लोग ध्यान रखेंगे. पंच मिशन ऑफ नासा, दैट इज फुल फॉर्म ऑफ पंच इज पोलैरिमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फियर. देन वी हैव सोलर पार्कर प्रोब विच इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच वॉज अ प्रोजेक्ट ऑफ नासा एंड देन वी हैव अ ESA नासा जॉइंट प्रोजेक्ट सोलर ऑर्बिटर विच विल बी लॉन्च्ड इन 2020 टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द सन्स एटमोस्फियर. इसके बाद हम लोग इसी पेज पे नेक्स्ट न्यूज है एंड दैट इज रिलेटेड टू नीपा वायरस एंड एन एक्सपेरिमेंटल एंटीवायरल ड्रग हैज शोन सम सॉर्ट ऑफ रेमेडी फॉर नीपा वायरस. ठीक है, तो उस ड्रग का क्या नाम है? रेमडेसिविर. ठीक है, रेमडेसिविर इज एन एंटीवायरल ड्रग विच इज करेंटली इन फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इबोला एंड इट वॉज फाउंड जब वो मंकी को ट्रीट किया गया सो इट वॉज फाउंड टू बी सम सॉर्ट ऑफ इफेक्टिव. यहाँ पे हम लोग नीपा वायरस के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ से आया और कब बना. सो इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1999 ड्यूरिंग द आउटब्रेक एमंग पिक फार्मर्स इन मलेशिया एंड सिंगापुर. एंड जो इसका नाम पड़ा है इट गेट्स इज नेम फ्रॉम सुंगाई नीपा अ मलेशियन विलेज वेयर पिक फार्मर्स बिकेम इल विथ एंसेफेलाइटिस एंड फ्रूट बैट्स ऑफ द पेट्रोपोडियाट फैमिली आर द नेचुरल होस्ट ऑफ नीपा वायरस. एंड रिमेंबर डैट द वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू एयर बट इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड बैट्स एंड पिक्स. ठीक है, एंड नीपा इज अ जूनोसिस डैट इज इट इज अ डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन्स. ठीक है, एट प्रेजेंट देर आर नो वैक्सीन फॉर बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. लेकिन अभी जो ये ड्रग डिस्कवर किया जा रहा है या बनाया जा रहा है सो इट हैज शोन सम सॉर्ट ऑफ इफेक्टिवनेस. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग इसके बारे में. इसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 20 पे, लास्ट पेज पे. यहाँ पे जो एक न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू कॉस्मिक वेव्स एंड जो टीम ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर्स है दे हैव रिकॉर्डेड एंड वन ऑफ बर्स्ट ऑफ कॉस्मिक रेडियो वेव्स. कॉस्मिक रेडियो वेव्स क्या होती हैं? दे आर हाई इंटेंसिटी वेव रेडिएशन विच आर रिलीज आउटसाइड अवर सोलर सिस्टम. सो सोलर सिस्टम के बाहर जो या दूर वाले जो गैलेक्सीज में जो हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस रिलीज होती हैं उनको कॉस्मिक वेव्स बोला जाता है. ठीक है, एंड हियर वन थिंग अनदर दैट थिंग इज मेंशनड इज मिस्टीरियस फास्ट रेडियो बर्स्ट. तो फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या होता है? दीज आर हाई एनर्जी सर्जेस विच फ्लैश फॉर अ माइक्रो इंस्टेंट बट कैन एमिट एज मच एनर्जी इन मिली सेकेंड एज द सन डज इन 10,000 ईयर्स. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि फास्ट रेडियो बर्स्ट विच वॉज सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, तो फास्ट रेडियो बर्स्ट इज अ हाई एनर्जी सर्ज विच फ्लैशेस फॉर ओनली अ माइक्रो इंस्टेंट बट कैन एमिट एज मच एनर्जी इन मिली सेकेंड्स एज द सन डज इन टू 10,000 ईयर्स. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में. इसके बाद यहाँ पे एक फेसबुक ने जो अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है लिब्रा, उसके बारे में है कि लिब्रा हैज़ द पोटेंशियल टू
कवर द अंडर डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज. तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रांग है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं क्योंकि वहां पे फाइनेंशियल इंक्लूजन उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, सो लिब्रा कुड बी यूज फॉर दैट पर्पज. तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि लिब्रा किसकी डिजिटल करेंसी है, फेसबुक की. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का न्यूज डिस्कशन. सो नाउ वी कैन सी द क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड इन द बिगनिंग. तो पहले क्वेश्चन का आंसर है द स्टार्ट एंड सॉल्ट ट्रीटीज आर रिलेटेड टू डिसआर्ममेंट. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर है राइट कंसंट्रेशन, राइट लाइवलीहुड एंड राइट व्यू आर द पार्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ ऑफ गौतम बुद्ध, दैट इज सी 1, 2 and 3 ओनली. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम्स मेड सिंपल. थैंक यू.